बहुत बहुत स्वागत है आप सबका एक नए वीडियो में। आप देख रहे हैं सफर सागा और मैं हूं रॉबिन। ज्यादा दूर नहीं जा रहे हैं, सिर्फ 340 350 किलोमीटर के आसपास जा रहे हैं। हम जा रहे हैं मुक्तेश्वर। अभी टाइम हो रहा है 4, सुबह सुबह का टाइम है, रोड खाली है। एक बारी पहले हाईवे पे पहुंचते हैं, फिर डिटेल में बात करेंगे कि यार ये राइड हो क्यों रही है, वो तब बात करेंगे। फाइनली अब हम हाईवे पे आ गए हैं। मुरादाबाद बस आने ही वाला है तो इधर में आ ही जाएगा। मैंने वो एक्सप्रेस वे नहीं लिया, ऑब्वियस ही बात है, उस पर जाने के बाद तो फिर चलान ही होना है। अब इस टाइम पे तो पुलिस वाले नहीं रहते हैं, बट फिर भी यार 20-25 हज़ार रुपये का चलान कोई मिल गया तो फालतू में टाइम अलग वेस्ट, और फिर भाई साहब को भी समझाओ अलग। तो मैंने कहा छोड़ो, चलो यही हाईवे लेंगे। तो फाइनली मैं हाईवे पे आ गया हूँ और मैं भाई साहब बंद कर लेता हूँ, बहुत शोर आ रहा होगा। और मेरे को एक ट्रायल राइड करना था बिकॉज मैं फर्स्ट टाइम अपनी लाइफ में सोलो राइड कर रहा हूँ। तो मैं देखना चाहता था कि कौन कौन से चैलेंजेस हैं, कौन कौन सी डिफ़िकल्टीज़ हैं जो फेस करने को मिलती हैं और उसको टैकल कैसे किया जाए। अब आपके पास टाइम है, आपके पास छुट्टी है, आप अपने जगह प्लान किया, आपको नहीं पता कि आपका जो फ्रेंड है, आपका जो कलीग है, आपका जो राइडिंग पार्टनर है, उसके पास वो दिन फ्री रहेगा या नहीं रहेगा। तो वो एक बहुत बड़ा चैलेंज रहता है और फिर उसकी वजह से प्लान पोस्टपोन होते रहता है। तो अब मैं वो चाहता नहीं, अब मैं चाहता हूँ कि मैं सिंगल ही राइड करूँ, सोलो राइड करूँ और मैंने लोगों से मिलूँ और एक्सप्लोर करूँ। जो जो मैंने नहीं देखा है मैं वो सारी चीज़ें देखूँ ऑन द व्हील्स इटसेल्फ। अब मैं चाहे वो बाइक से करूँ या गाड़ी से करूँ, बट करूँ मैं सोलो ही करूँ। तो बस उसी का ही एक कह सकते हैं आप लोग कि टेस्ट राइड सी हो रही है। तो इसमें मेरे को एक मोटा मोटा ये पता लग जाएगा कि क्या क्या चैलेंजेस और क्या क्या डिफ़िकल्टीज होती हैं यार एक सोलो राइडर को एक जगह से दूसरी जगह जाने में। तो सबसे पहला तो ये है यार, सामान का ख्याल खुद रखना पड़ता है। भीमताल जाएंगे, भीमताल से रास्ता कटता है मुक्तेश्वर के लिए। बहुत ही ब्यूटीफुल जगह है, मतलब वहाँ पे ड्राइव करना इज लाइक जस्ट वाव। और हल्की हल्की बारिश हो जाए, मौसम सही हो जाए, फिलहाल तो मौसम बहुत ही भयंकर हो रखा है, मतलब इतनी ज़्यादा ह्यूमिडिटी। आईफोन में चेक कर रहा था तो बारिश दिखा रहा है और जब मैं गूगल पे चेक कर रहा हूँ तो बारिश नहीं दिखा रहा। चलो ETA जो दिखा रहा है वो 6 घंटे का दिखा रहा है। मैं आराम से 11-12 बजे तक बहुत प्यार से पहुँच जाऊँगा, मतलब 11 तो नहीं 12 बजे तक तो मैं आराम से पहुँच ही जाना चाहिए। बट कोई चक्कर नहीं, आराम से भी जाएंगे तो कोई दिक्कत नहीं है। अपना सनराइज़ अभी थोड़ी देर में होने ही वाला है, मॉर्निंग स्टार्ट हो ही गया है। कि पहुंचने के बाद किधर जाएंगे, क्या करना है नहीं करना है, बस हाँ बस एक बहुत अच्छी ब्यूटीफुल सी प्रॉपर्टी मैंने बुक कर रखी है। आज इससे पहले जब मैं गया था 2020 में तो भी मैं वहीं पर रुका था, तो मुझे प्रॉपर्टी बहुत पसंद आई थी, लोकेशन वाइज, फूड वाइज, एवरीथिंग ब्यूटीफुल। मैं वो भी आपको दिखाऊँगा अभी। पर 1 hour 8 minutes में हमने किया है 83 kilometers, नॉट बैड। थोड़ा पानी वानी पीते हैं फिर आगे चलेंगे। मस्त परफॉर्म कर रही है अभी तक। 5 मिनट का ब्रेक काफ़ी था। गर्मी इतनी ज़्यादा, गर्मी भी नहीं ह्यूमिडिटी है यार, हवा तक नहीं चल रहा है, सारे वेंट खोल रखे हैं मैंने। तो चलो फिर से राइड स्टार्ट की जाए। वैसे हमने कवर बहुत बढ़िया किया है, 1 घंटे में ऑलमोस्ट, मतलब 1 घंटा 10 मिनट में हमने 83 किलोमीटर्स किए हैं। अभी सिर्फ 250 किलोमीटर रह गया है मुक्तेश्वर, जो मेरा होटल है वो। फिलहाल तो सब कुछ बढ़िया चल रहा है, मज़ा आ रहा है। आई होप थोड़ा वेदर भी हमारे साथ हो, थोड़ी हवा चल जाए, क्योंकि यार ह्यूमिडिटी का लेवल रुकने के बाद असली में पता लग रहा है। अभी तो फ़िलहाल चल रहे हैं तो भाई ठंडी ठंडी हवा लग रही है, और जब रुक रहे हैं तो भाई एक पत्ता भी नहीं हिल रहा।
में एंट्री लेते ही ट्रैफिक, बस इसी चीज़ की कमी थी। पूरे रास्ते ट्रैफिक नहीं मिला, यहाँ पे आके ट्रैफिक मिला। बहुत दिन हो गए थे पहाड़ में आए हुए, अब फाइनली पहाड़। ये तो टेस्ट ड्राइव चल रही है वैसे मेरी अगले महीने के लिए। मेरी इस तरफ और अपने को जाना है इधर, आगे कट आएगा वहाँ से राइट लेंगे तो मुक्तेश्वर की तरफ। उस जगह के बाद अब जाके मैं फाइनली देख ले रहा हूँ। और गर्मी तो भाई साहब बहुत बुरा हाल है, बहुत बुरा हाल है भाई गर्मी। तो भाई फाइनली अब निकल गए भीमताल से, रुका भी नहीं गया, इतनी ज़्यादा गर्मी हो रही है। यहाँ से दिखा रहा है 30 किलोमीटर, टाइम दिखा रहा है 1 घंटा। तो बस अब यार होटल चल के ही जो रेस्ट रोस्ट करना है वो करेंगे। वो तो शुक्र है कि भाई मैंने एंड टाइम पे ये हाइड्रेशन पैक ले लिया था भाई, हाइड्रेशन पैक ने बहुत हेल्प किया, बहुत हेल्प। तो बस यही सब कर्व देख के थोड़ा रुक गए, फोटो वोटो क्लिक करने के लिए। मैं और KTM तो बस ज़्यादा दूर रह नहीं गया, मुश्किल से 20 किलोमीटर के आसपास रह गया। धूप तो बहुत तेज़ है लेकिन जो शेडोज आ रही है ना उसके वजह से थोड़ा हवा चल रही है तो अच्छा लग रहा है, तो बस इसलिए रुके थे, थोड़ा रेस्ट भी मिल जाएगा। बाकी व्यू बिल बहुत शानदार है, बहुत शानदार। बस चलो 10-5 मिनट रुकूँगा और फिर आगे चलेंगे होटल की तरफ। चलते हैं यहाँ से, मुझे जहाँ तक लग रहा है ये मेन हाईवे तो नहीं है, ये मेरे को लग रहा है ये गूगल आंटी का मन था कि आज ही सबसे पहले होटल पहुँचने से भी पहले वाटरफॉल देख लो, तो ये वाटरफॉल के रास्ते से लेकर जा रहे हैं। डस्टर का धुआं निकल गया, अबे भाई जाने दो इससे पहले कि तुम मुझे ज़रूरत से ज़्यादा काला कर दो। तो भाई यहाँ से है भालूगर वाटरफॉल, आएंगे इसको फिर बाद में। एक तो ये छोटे 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 पत्थर है ना, इनसे बड़ा डर लगता है, यही होते हैं मेन कारण जैसे ना बाइक फिसल जाती है।
और उठने के साथ ही ये व्यू, और क्या चाहिए। तो भाई मैं तो अब थोड़ा रेस्ट करूँगा, पहले फ्रेश हो जाता हूँ, कुछ खा लेता हूँ, फिर आराम से रेस्ट करेंगे। और आज ये ब्लैडर ने बचा लिया, बाकी ये थोड़ा फ्रेश होते हैं, फ्रेश होने के बाद फिर मिलते हैं आपसे। हम लोग आ गए थे अपने होटल में, मैंने आपको होटल रूम दिखाई दिया था, बाकी मैंने प्रॉपर्टी नहीं दिखाई थी आपको, तो मैं प्रॉपर्टी आपको कल सुबह दिखाऊंगा। और अभी फिलहाल लाइट गई हुई, इसलिए टॉर्च, सेकेंडरी टॉर्च यूज कर रहा हूँ। ऐसा बात लग रहा है अभी, बिल्कुल ऐसा लग रहा है जैसे बारिश होने वाली है। तो मेरे ख्याल से कल अभी रात को हो भी सकता है, भगवान करे कल सुबह ना हो। तो आज के लिए इतना ही, कल सुबह से हम दोबारा स्टार्ट करेंगे, पूरा मुक्तेश्वर घूमेंगे। बट ठीक है, मौसम बहुत अच्छा है, और आज के लिए इतना ही। अगर आपको वीडियो पसंद आएगी तो डू लाइक, शेयर, सब्सक्राइब, और मिलते हैं आपको नेक्स्ट वीडियो में।